देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का देश हमेशा आभारी रहेगा। 2020 तक भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का सपना देखने वाले ये कर्मवीर योद्धा मरते दम तक देश के लिए काम करते रहे। करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत कलाम अपनी मीठी जुबान से हजारों की भीड़ को सम्मोहित कर लेते थे। उन्होंने 2 दर्जन किताबें भी लिखी, लेकिन फिर भी अपने ट्विटर प्रोफाइल पर खुद को एक लर्नर ही लिखते थे। वो एक गैर राजनीतिक व्यक्ति रहे। विज्ञान की दुनिया में चमत्कारिक प्रदर्शन के कारण ही राष्ट्रपति भवन के द्वार उनके लिए स्वतः खुल गए। उन्होंने विवाह नहीं किया था। उनकी जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास के नायक की कहानी से कम नहीं है। वो एक ऐसे भारतीय हैं जो सभी के लिए एक महान आदर्श बन चुके हैं। डॉक्टर कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाविक थे और नियम के बहुत पक्के थे। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। उनके संबंध रामेश्वरम के हिंदू नेताओं और अध्यापकों के साथ भी थे। 8 साल की उम्र से ही कलाम सुबह 4 बजे उठते थे, वहाँ से गणित पढ़ने निकल पड़ते थे। उनके टीचर हर साल 5 बच्चों को मुफ्त में गणित पढ़ाते थे, लेकिन वो बिना नहाए आने वाले बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। ट्यूशन से आने के बाद वो नमाज पढ़ते और इसके बाद वो सुबह 8 बजे तक रामेश्वरम रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर न्यूज़पेपर बांटते थे। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने की प्रेरणा उन्हें अपने टीचर सुब्रमण्यम अय्यर से मिली थी। वो बताते थे कि वो उनके अच्छे टीचर्स में से एक थे। एक बार क्लास के दौरान टीचर सुब्रमण्यम अय्यर ने पूछा, चिड़िया कैसे उड़ती है? क्लास के किसी छात्र के पास इसका जवाब नहीं था। अगले दिन वो सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए, वहाँ उड़ते पक्षियों को दिखाया। कुछ समुद्र के किनारे उतर रहे थे तो कुछ वहाँ बैठे थे। उन्होंने सभी बच्चों को पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया, साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया, जिससे उन्हें उड़ने में मदद मिलती है। उनके द्वारा समझाई गई ये सभी बातें कलाम के अंदर इस कदर समा गई कि उन्हें हमेशा महसूस होने लगा कि वो रामेश्वरम के समुद्र तट पर हैं। उस दिन की घटना से उनके जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित हो चुका था। उन्होंने बाद में तय किया कि उड़ान की दिशा में ही वो अपना करियर बनाएंगे। उन्होंने फिजिक्स पढ़ी और मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। 1962 में कलाम इसरो में पहुँचे। वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे जब भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया। 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के समीप स्थापित किया और भारत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। कलाम ने इसके बाद स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारतीय तकनीक से बनाई। 1992 से 1999 तक कलाम रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार भी रहे। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट भी किए और भारत परमाणु हथियार बनाने वाले देशों में शामिल हो गया। कलाम ने विजन 2020 दिया। कलाम भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। 1982 में कलाम को DRDL यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टर बनाया गया। इसी दौरान अन्ना यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। कलाम ने तब रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर VS अरुणाचलम के साथ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रस्ताव तैयार किया। स्वदेशी मिसाइलों के विकास के लिए कलाम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इसके पहले चरण में जमीन से जमीन पर मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बनाने पर जोर था। दूसरे चरण में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, टैंक भेदी मिसाइल और रीएंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल बनाने का प्रस्ताव था। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग नाम के मिसाइल बनाए गए। कलाम ने अपने सपने रेक्स को अग्नि नाम दिया। सबसे पहले सितम्बर 1985 में त्रिशूल, फिर फरवरी 1988 में पृथ्वी और मई 1989 में अग्नि का परीक्षण किया गया। इसके बाद 1998 में रूस के साथ मिलकर भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने का काम शुरू कर दिया और ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई।
ब्रह्मोस को धरती आसमान और समुद्र कहीं पर भी छोड़ा जा सकता था। इस सफलता के साथ ही कलाम को मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्धि मिली। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे। डॉक्टर कलाम का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उन्हें खास लगाव था प्रौद्योगिकी से, देश के विकास से, और साथ ही युवा को एक नई प्रेरणा से भर देने के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। पर्यावरण के प्रति उनकी खास फिक्र रहती थी। साहित्य में रुचि रखते थे, कविता लिखते थे, वीणा बजाते थे और अध्यात्म से बहुत गहरे तक जुड़े हुए थे। डॉक्टर कलाम में अपने काम के प्रति जबरदस्त दीवानगी थी। उनके लिए कोई भी समय काम का समय होता था। डॉक्टर कलाम की सक्रियता और स्फूर्ति के सभी कायल थे। प्राण ऊर्जा का ऐसा स्रोत वहीं देखने को मिलता है जहां मन में गहरा समर्पण और अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता हो। कलाम को 1997 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, भारत रत्न। 27 जुलाई 2015 की शाम वो भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे। तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 83 वर्ष के कलाम दुनिया से विदा ले चुके थे। उनकी सोच, उनका संपूर्ण जीवन देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी कही हुई बातें जीवन के मूल मंत्र हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। असफलता कभी मुझे पछाड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरी सफलता की परिभाषा बहुत मजबूत है। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपना वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि वो हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उनसे भी ज्यादा कठिन हो। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, तो आपको पहले सूर्य की तरह ही जलना भी होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट।